तो 2 महीने 2 दिन की ये भैंस हो गई है, अगर ये 51 निकलती है तो ये रखी जाएगी, नहीं तो आज ये निकाली जाएगी पक्का। अब तुम मेरी बात भी ना मानोगे, अगर मैं कह दूं रोक लो तो ना रोकोगे? जब बसवासी काकरा जब 5 6 5 में फेरा होगी तो काकरा बताओ अब ना रोकोगे? तो दादा तुम खुश हो जाओ, 51 रुक गई, बस तुम्हारी दुआ होगी तो जो रुक गई ऐसे मान लो पक्की 100% श्योर। गारंटी जिस दिन भैंस आज ब्याह गई ना उस दिन तुम्हें फोन से मोटरसाइकिल लेकर लेकर जाना पड़ा भाई का, गारंटी की बात है। जो तो फिर मांगा जितने पैसे मैंने मांगे ने उतने हाथ पर रखा मैंने, भैंस को बेचूंगा नहीं, इतने जितने वो नहीं कहेंगे इतने भैंस को बेचूंगा नहीं। आपका कसाई हाथ पर रख गया पैसे? हाँ पूरे जितने मैंने मांगे, मैंने 35,000 रुपए फूल पूरे मांगे, मैं नहीं बेच रहा, आप रत्ती भर भी नहीं बेचूंगा। तो अंकल ये बताओ अब तुम्हारी भैंस क्या बने, खुश हो? खुश है, तुम्हारे काम से खुश हो? खुश है, और दो चार जगह और भी बताएंगे। प्रयास करते हैं कि भाई ये भैंस जो है कटे ना, बच जाए। अब ये भैंस जो है 51 रुक गई है, नहीं इस बार लास्ट था, ये बेच देते। अब जब दूध देगी, दूध पिलाओगे तो फिर एक वीडियो और बनाएंगे। हाँ हाँ जरूर, ठीक है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सभी पशुपालक भाइयों का स्वागत है आपके ही बैठकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम बात करेंगे ये जो भैंसे रिपीटर भैंसे हैं जो रुकती नहीं 51, उसी क्रम में बात करेंगे। ये भैंस है और ये हमने इस भैंस की जो हमने पिछली वीडियो बनाई थी जब हमने उसका इलाज किया था, तो उसका भी हम एक जो हमारा थंबनेल था उसका स्क्रीनशॉट डालेंगे ताकि आपको ये पता चल सके कि वही वाली भैंस है और वही वाले ये दादा हैं। तो दादा ये बताओ ये तुम्हारी भैंस कितने समय की होगी? अब हमने इसमें दो महीने की हमने ही क्रॉस करी थी, दवाई डाली। हाँ। क्या दिक्कत बताई? जो दिक्कत तो कुछ ना बताई, हो जाएगी सही आ रही। दवाई डाली थी उससे पहले कितनी बार करा दी है? 3-4 फेरा करा दी, 4-5 फेर करा दी है, 51 नहीं रुकी। तो क्या प्लान है इसका? अब तो 51 आने की तो क्या करोगे? क्या करोगे फिर? बेचोगे? बेचनी पड़ेगी पक्का? अब नहीं कराओगे? लास्ट बार है, लास्ट बार बिल्कुल कतई। और जो जब थक गए खाली पालतू है, क्या फायदा नया मोड़ का है? तो पालो भैंस, पालना क्या दिक्कत आ रही है? बिगड़ चाहेगा तुम्हारा, चाय मिल जाएगी तो जब तक पेट में कुछ चलेगा। चाय तो मिल जाएगी लेकिन जब भैंसों को पालते हैं तो खाली भी पालो, 51 भी पालो। तो अब ये अगर तुमने बेच दी तो कटेगी, हो ये कोई किसान नहीं लेने का से? किसान दूध दे रही है? दूध दे रही है ना, ऐसे दे 2-1 किलो 2 किलो दूध तो कोई किसान नहीं लेने का से? इसे कसाई ले जाएंगे, सही है नहीं? तो अच्छा अब ये दवाई डाली थी, अब 2 महीने से बोली नहीं है, हीट पे नहीं आई, कतई कुछ नहीं गिरा, कतई कुछ नहीं गिरा ना। तो दोस्तों ये वही भैंस है, एक बार और वीडियो बनाई थी हमने इसकी जब हमने इसे क्रॉस किया था जी। और उसके बाद आज हम ये 2 महीने की हो गई है नी, कब कौन सी तारीख को आई? 15 तारीख को हुई पहली, 15 को। अब ये 15 में 2 की हो गई, हो गई 2 महीने 2 दिन की हो गई है, 2 महीने 2 दिन की। 2 महीने 2 दिन की ये भैंस हो गई है, अगर ये 51 निकलती है तो ये रखी जाएगी, नहीं तो आज ये निकाली जाएगी पक्का। ये भैंस जो है ना, इसका जो है दादा ने बहुत हिम्मत करी है, कई बार से पाल रहे हैं, कई बार करा दी है, और ऐसे लोगों को सलाम भाई। आप लोग जो है ना भैंसों को पाल, बड़ी अच्छी बात है कि 4-5 बार करा ली, नहीं तो इतनी देर भैंस बेच दे। हाँ। 2 किलो दूध पे कोई पशुपालक भैंस नहीं पालने का, नहीं पालने का। 2 किलो दूध कितना होता है? हाँ। घर का खर्चा निकल जाएगा, जिसका खाने का भी ना होने का जो खराब है। चलो खाने का, चलो तुम्हारे खेती में हो जाता है, लेकिन घर के दूध का खर्चा निकल, बच्चों का, तुम्हारा एक गिलास दूध पी लिया तो चाय के लिए दूध नहीं बचने का, ना बचने का। तो दोस्तों अब ये भैंस चेक करेंगे और ऊपर वाले से दुआ भी करेंगे ये 51 ही निकल जाए तो इसकी जान बच जाएगी, नहीं तो इसकी जान नहीं बचेगी। ये दादा जो है परेशान हो गए, ये बेच देंगे से, ये माना ना किसी की बात। अब हाँ। अब तुम मेरी बात भी ना मानोगे? अगर मैं कह दूं रोक लो तो ना रोकोगे? जब बसवासी काकरा जब 5 6 5 में फेरा होगी तो काकरा बताओ अब ना रोकोगे? हाँ। तो दोस्तों अभी हम इसे चेक करते हैं एक बार, देख लेते हैं क्योंकि ये भैंस जो है लास्ट स्टेज में, अब ये नहीं तो बिकेगी, 2 लीटर दूध दे रही है, कसाई ले जाएंगे इसे, कोई लेने का। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं, चलो पूछ पकड़ो, तुम पकड़ो दादा, पूछो तुम पकड़ो। अगर भैंस 51 निकल जाए तो दूध पी के जाएंगे हम, दूध पाएंगे खूब हटमा। दूध तो हम इसी भैंस का पियेंगे आगे जब दोबारा भी आएगी, तुम टेंशन ना लो कतई। बस बस खड़ी रह, खड़ी रह, पक्की 100% श्योर, बिल्कुल दावे के साथ 100%। गारंटी जिस दिन भैंस आज ब्याह गई ने उस दिन तुम्हें फोन से मोटरसाइकिल लेकर लेकर जाना पड़ा भाई का, गारंटी की बात है। जो भैंस के मेरे मन से देखने की नहीं है, ठीक मिलवाऊंगा बताओ। उस दिन जो कमन तुमसे बात करी,
मैंने कि उस दिन मुझे साल जितने पैसे मैंने मांगे ने उतने हाथ पर रखा मैंने, भैंस को बेचूंगा नहीं, इतने जितने वो नहीं कहेंगे इतने भैंस को बेचूंगा नहीं आपका। कसाई हाथ पर रख गया पैसे? हाँ पूरे जितने मैंने मांगे। कैसी कर दिए फिर वो? कितने मांगे थे? मैंने 35,000 रुपए फुल पूरे मांगे दुकान में बैठे, बात है 35 रख गया, 35 पूरे पूरे हाथ पर रख गया। मैंने 1 रुपया बोला और बता, मैंने मैं जब बेचने का नहीं बेच रहा जब मैंने खुंडक मैंने बता दी मैंने 35,000 लूंगा, तो वो 35,000 खोल देगा डर के चलेगा। मैंने कहा आप बेच ही नहीं रहा, मेरी मर्जी है, नहीं बेच रहा। वो तो कहीं फेरा ही नहीं, ये बात है अमरपाल का मैंने कर दी, हमने कहीं मना करने का आपको और देख लो तो चलिए आपकी बात बेच दी, पैसे भी रख गया हाथ पे, हां बेच दी। फिर मेरे दूसरे दिन को बोला वो उनने 500 मैंने उसके नाम पे मांगे, वो बोला तुम 1,000 कर दो, मैं उस दिन दी नहीं। फिर दूसरे दिन को आया था फिर बोला लो पूरे लो, पूरे पूरे लो, 35,000 रुपए पूरे ले लो। मैं नहीं बेच रहा, आप रत्ती भर भी नहीं बेचू। आपकी बात एक जगह मैं मौत में चला गया तो बहू से बोला जे इतने रुपया है और मैं भैंस ले जाऊंगा, बढ़ाई आ जाएंगे। बोले बाबा जाने हमने ले रहे पैसे उसे। अच्छा पैसे घर दे रहा? घर भी दे रहा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये लाइव इंटरव्यू है किसान के साथ, इसलिए जो है लाइव जो है लाइव वीडियो इसलिए बनाते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है सारी पारदर्शिता रखी जाती है किसान के साथ, आपको ये पता चल सके कि हम जो काम करते हैं उसमें कितना जेन्युइन है, कितना पारदर्शिता है। तो अंकल जी ये बताओ, अब तुम्हारी ये भैंस गाबन है, खुश हो? खुश है हमारे काम से? तुम्हारे काम से खुश हो? खुश है। और दो चार जगह और भी बताएंगे, मैं और भी मैं डांट रहा है, नहीं चेक कराता तो उनसे कराता, मैंने कर दी महावीर से करेंगे। हमसे चेक कराओगे? जब उन्होंने करी तो वही करेंगे। उस बार ये धौरिया वाले भी आए हैं और साहपुर वाला भी आ, कई फेरे कई फेरे निकल गया आज भी, ख्याल पर ढाल वाला कर ली मैं वाला तुम्हारी भैंस से, मैं वाला मेरी भैंस चेक हो, मैं वाला जा तू तेरे नाम महावीर। दोस्तों ये भैंस जो हमने इनसे रुकवाई थी पिछली बार कह के कि भाई इस भैंस को बेचो मत ना, मैं इसका इलाज करूंगा। खैर हमने भी इसमें सीमेंट डाला है, उससे पहले हमने भी क्रॉस करी है, हमने भी क्रॉस करी है पर ये नहीं रुकी थी। इसमें ऐसी दिक्कत थी, बहुत माइक्रो जैसे कहते हैं ना, बहुत हल्का इन्फेक्शन था, उसका ट्रीटमेंट किया था और बस उसी वजह से ये गाबन रुक गई थी और हमने इसमें दवाई डाली, इसके बाद में जो है ये क्रॉस कर दी। आज हमने ये चेक करी है और दादा हमारे पूरे फुल एनर्जी में है, 2 महीना खुश है, पूरे 2 महीना बढ़िया करके आज चेक करिए गाबन है, भैंस गाबन है और आप खुश रहो, इसे बेचना मत अब बिल्कुल भी। अजय आप तो इसका तुम दूध पियोगे और हमें पिलाओगे। देखूंगा ना इसे, जो राज गुजरा जो इसके जैसे हिसाब से लाया हूँ उस हिसाब तुम्हें दिखाऊंगा किस हिसाब की भैंस लाया मैं इसे। कितना दूध दिया इनने? 7 लीटर दूध इनने बांकड़ी ने दिया। अच्छा बांकड़ी ने? हाँ। जो बांकड़ी ले आए हो? हाँ बांकड़ी लाया। ठीक है अब इसका तुम दूध पियो, कम मैं मानता हूँ 12 लीटर दूध देगी कम से कम। जो राजू कुछ कोई आगमान हुई नहीं, 10 लीटर से तो मनने की नहीं है। चलो ठीक। तो दोस्तों इस तरह से हम काम करते हैं और काम की जो है पारदर्शिता आपको दिखाई दे रही होगी। किसान के साथ हम लाइव रहते हैं, दिखाते हैं कि भाई किस तरह से पशुपालन में काम होता है, किस तरह से ये जो रिपीटर भैंसे हैं इनको हम दावे के साथ गाबन रोकते हैं। खैर गारंटी 100% किसी चीज की नहीं होती है, मौत की भी नहीं है। प्रयास करते हैं कि भाई ये भैंसे जो है कटे ना, बच जाए। अब ये भैंस जो है गाबन रुक गई है, नहीं इस बार लास्ट था, ये बेच देते तो ठीक है। अब आपका काम हो गया, आपकी पहले एक वीडियो बन गई और अब एक वीडियो बन गई। आप जब दूध देगी, दूध पिलाओगे तो फिर एक वीडियो और बनाएंगे। हाँ हाँ जरूर, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह की और वीडियो देखने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।